अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं ऑटोकैड के अंदर 3D मॉडलिंग के ऊपर। पहली क्लास के हम इसमें देखेंगे किस तरह से ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। आज की क्लास हम कर रहे हैं ऑटोकैड 2007 पर, कि थोड़ा सा हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें कि किस तरह से हम ऑटोकैड के अंदर 3D क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो जो चीजें सेट करनी होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वर्जन के ऊपर बकायदा 3D की तमाम क्लासेस को करेंगे जो कि अपडेटेड वर्जन होगा। तो सबसे पहले जब आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन आते हैं ऑटोकैड को खोलते वक्त, एक ऑटोकैड क्लासिक और एक 3D मॉडलिंग का, तो जैसे कि हम शुरू में ऑटोकैड क्लासिक में काम करते रहे 2D ड्राइंग्स के हवाले से, तो 2D मींस टू डायमेंशन ड्राइंग्स और अब हम जा रहे हैं 3D मींस थ्री डायमेंशन ड्राइंग्स। 3D में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विड्थ और हाइट में मेजर कर सकते हैं, जबकि 3D में उसको तीन मेजरमेंट्स में उसको मेजर किया जा सकता है, विड्थ हाइट और उसकी डेप्थ। सबसे पहले आप 2D में स्टार्ट करें या 3D में स्टार्ट करें, तो मैं आपको स्टार्ट 2D से कराता हूं और फिर 3D में लेके जाता हूं। तो जैसे हम इसको 2D में जब हम खोलते हैं इसको क्लासिक व्यू के अंदर, तो यहां पर आपको यहां से 3D व्यू दोबारा ले भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहां से 3D व्यू पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप 3D व्यू पर जंप कर जाएंगे 3D मॉडलिंग में, और यहां से ऑटोकैड क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से यहां पे आ जाएंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें आपको कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो विड्थ और हाइट पे ही दिखेगा, एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट है। लेकिन जब आप नोट करेंगे यहाँ से आप 3D मॉडलिंग में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स वाई की जगह पे दूसरा और भी एक और मिलेगा जिसे आप कहते हैं जेड। लेकिन वो कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें अपना व्यू पोर्ट सेट करना होगा। जैसे ही 3D मॉडलिंग में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास व्यू पोर्ट्स आ जाते हैं और ये डिफरेंट किस्म के व्यू पोर्ट्स हैं, जैसे कि टॉप, बॉटम, साउथ, वेस्ट वगैरह। और यहाँ पे क्लिक करके मुख्तलिफ टूल्स भी हैं 3D के, जैसे 3D मूव है, 3D रोटेट है, यहाँ पे और भी है जैसे प्रेस पुल कमांड है, इसके अलावा एक्सट्रूड कमांड है। ये बड़ी मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाली कमांड्स है 3D मॉडलिंग के अंदर। और इसके अलावा हमारे व्यूज है, यानी कि ये कहलाता है 2D वायरफ्रेम, 3D हिडन, इसके अलावा ये एक और इसका व्यू है और ये इसका है कंसेप्चुअल व्यू। तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब एक्स वाई और जेड तीन एंगल्स हमारे पास आएंगे नजर, जिसमें हम इस पर काम करेंगे। तो अभी हम 3D मॉडल पर है, लेकिन सबसे पहले हम अपने व्यू को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका जो है बॉटम व्यू है, और ये इसका बैक है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। तो देखिए एक्स, जेड और वाई तीन कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब 3D में लेके जाते हैं तो आप उसको सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, चारों तरफ से व्यू कर सकते हैं। क्योंकि 3D जो ऑब्जेक्ट होता है वो बीच में रखा हुआ एक बॉक्स की तरह होता है या बिल्डिंग की तरह होता है, जिसके ये सारे व्यूज ही होंगे जब आप उसको मुख्तलिफ एंगल से देख सकेंगे। तो अगर आपको एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कि आप यहां से कोई भी एक व्यू सेट कर ले, जैसे कॉन्सेप्चुअल व्यू ले लिया और आपने उसको टॉप पे सेट कर लिया या साउथ ऑटोमेट्रिक में सेट कर लिया। अब आप क्या करें, यहां से आप स्नैप भी ऑन कर सकते हैं, ग्रिड्स भी ऑन कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑर्थो मोड वगैरह ये सारी चीजें यहां से ऑन ऑफ की जा सकती है। अब आपने यहां पे कोई भी अगर ड्राइंग क्रिएट करनी है तो सबसे पहले कोई हमारे पास जो कमांड्स है, अच्छा कमांड्स आपको नजर नहीं आ रही, रेक्टेंगल कमांड वगैरह, तो उसका कोई मसला नहीं है, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। एनोटेशन की कुछ कमांड्स है, इसके अलावा ये डोर इंप्लीमेंटेशन की कमांड है, मैकेनिकल की कुछ कमांड्स है, इलेक्ट्रिकल की कुछ कमांड्स है, सिविल की कुछ कमांड्स है, आर्क्स आ रहे हैं, कॉर्नर्स आ रहे हैं। ये देखिए आपकी वो कमांड पहले जो कॉमन कमांड है जिसमें रेक्टेंगल वगैरह मिलते हैं, वो कमांड को आप यहाँ लिख के भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से जो है एक कमांड ली रेक्टेंगल और रेक्टेंगल आपने यहाँ ड्रॉ किया, अब ये रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ हो रहा है। क्यों ऐसे ड्रॉ हो रहा है? क्योंकि ये आपका इस टाइम सेट हुआ हुआ है साउथ आइसोमेट्रिक। अगर आप इसको रखेंगे नॉर्थ आइसोमेट्रिक पर, तो अब जब आप ड्रॉ करेंगे कोई ऑब्जेक्ट तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। और अगर आप इसको रखते हैं यहाँ से टॉप पर, तो अब आप जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको यहाँ से क्लोज करके डायरेक्टली 3D मॉडलिंग में खोलते हैं तो फिर क्या होगा? राइट फाइल न्यू, और यहाँ दोबारा जाके हमने कहा ऑटोकैड, ऑटोकैड करके जैसे ही ओपन किया टेम्पलेट पर, तो ये इसका 3D मॉडलिंग डायरेक्टली खुल गया। और अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करके डायरेक्टली क्लोज करके दोबारा ऑटोकैड को यहाँ से ओपन करते हैं, रन करते हैं और डायरेक्टली यहाँ से 3D मॉडलिंग पे क्लिक करके ओपन करते हैं, अब ये डायरेक्टली 3D मॉडलिंग पे ऑन हुआ है।
ठीक है। तो डायरेक्टली 3D मॉडलिंग में अगर आपका ग्रिड ऑन है तो यूं समझने की ये आपका ग्रिड ऑन कर ले, यहाँ से समझने के लिए ये आपका फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये आपका जो व्यू है वो है रियलिस्टिक, और यहाँ से जो आपने सेट कर रखा है करंट व्यू ये चल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ से आप उसकी व्यू चेंज कर सकते हैं, टॉप से देखना है, बॉटम से देखना है, और फ्रंट से देखना है, और साउथ से देखना है, नॉर्थ से देखना है, या ईस्ट से देखना है, कहीं से भी देखना है वो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट व्यूज है इसके, यहाँ से जो आप उसके चेक कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसके ऊपर कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मैं इसका दोबारा से नॉर्मल वही व्यू लिया है, इसको सेट करने का तरीका ये है कि आप ड्रॉ करें इसके ऊपर, तो यहाँ से आपने भी रेक्टेंगल कमांड और इसको इसी व्यू पे कोई चीज भी ड्रॉ करें, मतलब तो भी आपने ये एक प्लॉट ड्रॉ या जो भी चीज ड्रॉ करनी है ये आपने यहाँ पे कर लिया। फिलहाल तो अभी हम कोई प्लॉट ड्रॉ नहीं कर रहे, एक बॉक्स बनाते हैं, ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया था। रेक्टेंगल जब बना चुकेंगे तो अब आप इसका जो रियलिस्टिक व्यू है उसको कन्वर्ट कर दें कॉन्सेप्चुअल व्यू के अंदर। कॉन्सेप्चुअल व्यू में करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक कमांड है एक्सट्रूड, जैसे ये कमांड लेंगे एक्सट्रूड और इस ऑब्जेक्ट पे आके आप रखेंगे और इसको इस तरह से सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो इसको आप इस तरह से इसकी हाइट को इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको तीन बातें कही थी, एक होती है विड्थ और एक होती है इसकी हाइट और एक होती है इसकी डेप्थ। तो ये देख लीजिए, ये इसकी हो गई विड्थ, ये हुई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी डेप्थ, यानी कि एक्स एंड वाई, या इसको एक्स ले ले, इसको वाई ले ले, और ये इसका हो गया जेड। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। इसी के बाद अगर इसको मूव करना है तो बाकी कमांड सेम है जिसे मूव कमांड यूज करते थे, चाहे आप लिख के यूज कर ले यहाँ से या ले लें, आप सर्च करेंगे यहाँ पे मूव कमांड भी मिल जाएगी। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो मूव लिख के एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करेंगे। अब मूव ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। अगर ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे ये ग्रिड से सीधा सीधा चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे और नीचे ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं जहां पर आप चाहे क्लिक करके, ये देखिए क्लिक करके। इसी तरीके से एक और कमांड है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर से एक अगर जो है पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर सिक्स साइड्स का पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आई दबा देता हूँ, ये पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया। और इसके ऊपर मैं एक्सट्रूड के बजाय अगर प्रेस फुल कमांड यूज करता हूँ, प्रेस फुल कमांड, और उस पर ला के मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह से ये भी इसकी डेप्थ को बढ़ाएगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, प्रेस फुल में और एक्सट्रूड में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स क्लियर होते जाएंगे। सर्किल बना लें, सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपने सर्किल को ऐसे रखना है और यहाँ से प्रेस फुल या एक्सट्रूड कमांड लेके इसके ऊपर क्लिक करना है और देन इसको इस तरह से एंटर करके सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ा देना, ठीक है। अब आप इसका व्यू चेंज करके देख सकते हैं कि इसका कौन सा व्यू आपने रखना है। ये इसके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस है, पैरेलल प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस है इसकी, और पैरेलल भी है, पर्सपेक्टिव भी है, और यहाँ से आप इसको टॉप से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं इनको, फिर इनको आप जो है बॉटम से देख सकते हैं, फिर इनको आप जो है फ्रंट से देख सकते हैं, और फिर इनको आप लेफ्ट से देख सकते हैं, बैक से देख सकते हैं, और आइसोमेट्रिक इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ से ये व्यू भी सेट कर सकते हैं, और इसके जो डिफरेंट व्यूज है उनको भी मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्शन भी चेंज करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बड़े आसानी से कर सकते हैं और मूव इस तरह से कर सकते हैं। अब आपका ग्रिड जो है थोड़ा सा आपको टेढ़ा सा नजर आ रहा है, तो उसके इसी हिसाब से ये आपको दिखा रहा है। तो अब आपने जो है अगर अगला ऑब्जेक्ट आपका कोई क्रिएट करना है तो उसको एक तरीके से और भी क्रिएट किया जा सकता है, मूव भी किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है तो यहाँ से 3D रोटेट की कमांड है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, ये रोटेशन के तीनों पॉइंट्स आ गए, इसको जहां पर सेट करेंगे ये उसी के मुताबिक रोटेट करेगा, क्लिक करेंगे, अगर रेड वाले पॉइंट को लेंगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। ये देखिए ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए 90 डिग्री पे कर रहा है, फ्रीली मूव करना है तो इस तरह से रोटेट करेगा, जहां पर भी रखना चाहे इसको इस तरह से रखना चाह रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप दोबारा रोटेट कमांड लेते हैं यहाँ से, और रोटेट कमांड लेने के बाद इसको आप इसमें क्लिक करते हैं 3D रोटेट, और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो इसका बेस पॉइंट सेट करें, कहाँ सेट करते हैं, जहां पर भी सेट करेंगे ये ऑब्जेक्ट उसको उस पॉइंट पर मूव करेगा। देखिए इस तरह से या इस तरह से जैसे चाहे इसको आप मूव करा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे रखना चाहते हैं ऐसे मूव करा लें। बाकी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए मूव कमांड लेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट एंटर करेंगे और उसका बेस पॉइंट बता के आप उसको, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए इसलिए दोनों मूव हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ से पकड़ते हैं उसको, कहीं भी मूव कर सकते हैं, उस एरिया को जूम कर सकते हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल व्यू से हम इसको जो इसका 3D व्यू उसमें ला सकते हैं, इसको हम 3D हिडन व्यू में देख सकते हैं, 2D वायर फ्रेम में देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इसके व्यू को चेंज करके भी यहाँ से देख कर सकते हैं विजुअल स्टाइल्स। अच्छा, विजुअल स्टाइल्स के बाद हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, मीडियम पे देखना है, लो रेजोल्यूशन पे इसको देखना है, वो यहाँ से इसकी सेटिंग की जा सकती है। तो याद रखें कि ये दोनों जो भी 3D से रिलेटेड काम होता है, इसके अलावा यहाँ पर ये पैरामिड टॉरस जो है ये भी बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं, जस्ट इन पे क्लिक करें और ये क्रिएट होते चले जाएंगे, ये बन गया आपका पैरामिड बन गया, इस तरह आपको टॉरस बनाना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैमरे के स्टाइल्स और व्यू को चेंज करने के साथ साथ